JGM एक होम्योपैथी की मेडिसन्स हैं जिसके बारे में बहुत सारे क्लेम्स हैं कि ये शुगर को डायबिटीज़ को जड़ से ही मिटा देती है। तो ऐसे क्लेम्स और भी बहुत सारी मेडिसन्स के बारे में हैं। सजेजियम है जिसको हम जामुन भी बोल देते हैं, आयुर्वेदा में भी इसके सिर पाते हैं। पर आपको एक बात अगर ध्यान में आप पिछले बैकग्राउंड में जाओगे, जो लोग शुगर के पेशेंट हैं डायबिटीज़ के, उनसे आप बात करोगे, उनको जामुन की ये मेडिसिन लेते हुए या जैसे गुड़मार एक मेडिसिन आती है आयुर्वेदा में, ऐसी बहुत सारी करेले का जूस हो गया, बहुत सारा काम करते हुए हो गया उनको, पर एक दिन उनको चाहे वो सजीजियम ले रहे थे, चाहे गुड़मार ले रहे थे, चाहे करेले से बनी हुई कोई मेडिसिन ले रहे थे, वो बंद करनी पड़ेगी क्योंकि उनकी शुगर अनकंट्रोल्ड हो गई है। तो यही चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा कि ऐसा क्यों हो जाता है और ऐसी मेडिसिन्स खाने से एक दिन आप डायबिटीज़ की वर्स कंडीशन में कैसे पहुंच जाते हो, एक दिन कैसे आपको फिर एकदम से ही इंसुलिन के इंजेक्शन शुरू करने पड़ जाते हैं, और क्या नुकसान है इसके, ऐसे ट्रीटमेंट ऐसी मेडिसिन्स खाने के कितने फ़ायदे हैं, और अंत में आपको वही चॉइस है लास्ट में जो सब लोगों के दिमाग में होती है, इंजेक्शन ही लगाना पड़ेगा, वहीं पर क्यों पहुंचते हैं, और साथ में बीमारी को ऐसे छोड़ देना कोई भी मेडिसिन सुनकर उसके कितने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे, और कैसे हम परमानेंटली ठीक कर सकते हैं उसकी बात करेंगे हम। तो डायबिटीज़ है आज के समय में बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, इसके बहुत सारे कारण हैं। तो सबसे पहले इसको जानने के लिए हमें समझ लेना होगा कि इसके कारण क्या क्या हैं, शुगर को बढ़ाने वाली कारणों के बारे में जानकारी लेनी होगी, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, कोई भी मेडिसिन लेते हैं वो ज़्यादातर जो खून में शुगर घूम रही है उसको कम करती है, पर हम कभी भी उस कारण का इलाज नहीं करते हैं जो शुगर को बढ़ा रहा है, जहाँ जिस कारण की वजह से शरीर है खुद से शुगर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, उस बीमारी का हम कभी भी इलाज नहीं करते हैं। इसलिए ऐसी मेडिसिन खाने वालों को जहाँ होम्योपैथी या आयुर्वेदा एक दिन इंजेक्शन ही लगाना पड़ता है, क्योंकि वो सीधा इसी के ऊपर आ जाते हैं कि शुगर को खून से कंट्रोल करें, कुछ समय के लिए करती भी हैं, पर जो शुगर को बढ़ा रही हैं बीमारियाँ जहाँ शरीर ने खुद कंट्रोल करना क्यों छोड़ दिया, ऐसी कई बीमारियां हैं शरीर में जब ऐसे हालात पहुंच जाते हैं, तो उन बीमारियों का कभी भी वो इलाज नहीं लेते हैं। इसीलिए एक दिन उनको डायबिटीज़ के पैरों के अंदर अल्सर बन जाते हैं, जख्म बन जाते हैं, कोमा हो जाता है, गुर्दे फेल हो जाते हैं, डायलिसिस करवाने पड़ते हैं, फिर वो बाद में बोलते हैं कि हमारे तो देसी दवाई काम ही नहीं की, इसके साइड इफ़ेक्ट हो गए हैं। तो ऐसे बिना देखे भी दवाई लेने के नुकसान है। तो हम शुरू करते हैं कि कैसे परमानेंट ट्रीटमेंट करें। तो इस चैनल पर हम जो भी इंफॉर्मेशन लेके आते हैं वो साइंस बेस्ड होती है, लिटरेचर बेस्ड होती है, और हम परमानेंट ट्रीटमेंट की बात करते हैं हमेशा, ताकि उसको पूरा आराम मिले, उसके गुर्दे फेल ना हो, उसको एक दिन सारी दवाइयां फेंक के फिर जो शुगर कंट्रोल करने वाली इंग्लिश मेडिसिन ना लेनी पड़े और उसके गुर्दे लिवर फेल ना हो। तो परमानेंट सोल्यूशन ही सबसे बढ़िया होता है, चाहे कोई कितना मर्जी पुराना पेशेंट है उसको सारा समझ में आ जाएगा, उसने शुगर को कंट्रोल करना है, अभी भी उसके पास पावर है, वो शुगर को ठीक कर सकता है। तो सबसे पहले हम जान लें कि जो शुगर है वो हमें मिलती कहाँ से है। सारे लोग यही मानते हैं कि जो चीनी है डायरेक्ट वही शुगर को बढ़ाती है, ऐसा नहीं है। शुगर हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा रसायन होता है जो खानों में मिलता है, जैसे कि चावल में सबसे ज़्यादा होता है, आलू में सबसे ज़्यादा होता है। तो जिन सब्जियों में खाने वाली चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होगा, आप डायरेक्ट चीनी गुड़ खाओ ना खाओ, आपकी शुगर कंट्रोल होनी नहीं है, क्योंकि जितना मेडिसिन से आप कंट्रोल करोगे चावल आलू खा के आप उतना ही बढ़ा दोगे। इसके बिना भी बहुत सारी लंबी लिस्ट है जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है। तो कार्बोहाइड्रेट वाली सब्जी खाना, डायरेक्ट चीनी खाना है। उसके बाद है फ्रक्टोज है। फ्रक्टोज हम कहाँ से लेते हैं? फ्रक्टोज एक तरह की मीठे पदार्थ हैं जो हमें हाइब्रिड फ्रूट से मिलते हैं। जहाँ लोग आपको बोलते सुनते होंगे कि फ्रूट खाने चाहिए, फ्रूट खाने से शुगर कम होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अब ऐसे फ्रूट्स आ गए हैं जो हाइब्रिड हो गए हैं, उनको पहले से ज़्यादा मीठा बना गया है जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से, वो नेचुरल मीठे नहीं रहे हैं। जैसे कि हनी सकल एक एप्पल है, उसको जेनेटिक इंजीनियरिंग से हाइब्रिड करके इतना ज़्यादा मीठा बना गया है कि उसके अंदर इतनी फ्रक्टोज है जो आपकी शुगर भी नहीं ठीक होने देगी और आपके गुर्दे भी डैमेज कर देगी। तो ऐसे इतने मीठे फल बिल्कुल नहीं खाने हैं, ये ध्यान रखना है।
शुगर वाले पेशेंट के अंदर हम दो ही चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं हमेशा, कि उसका लिवर फेल ना हो, उसकी किडनी फेल ना हो, उसको डायलिसिस ना कराने पड़े, तो ये सारा ट्रीटमेंट उसी के ऊपर हम बेस करते हैं। तो ये आपको समझ आ गया होगा कहाँ से आप चीनी खा रहे हो, सबसे पहले ये आपने बंद करनी है कहाँ से। जो डायरेक्ट चीनी है उसका तो आपको पता ही है, जैसे कोल्ड ड्रिंक जो भी कुछ है वो आपको पता है, कार्बोहाइड्रेट है, फ्रक्टोज के बारे में आपको पता लग गया। उसके बाद है गुर्दों के ऊपर दो ग्लैंड लगी होती हैं जिसको एड्रेनल ग्लैंड बोलते हैं। ये ग्लैंड हैं जो ग्रंथियां हैं, ये एक तरह का रसायन छोड़ती हैं शरीर में, कॉर्टिसोल, उसका नाम है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल रसायन जो यहाँ से निकलता है वो शुगर को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। अगर कॉर्टिसोल रसायन के अंदर गड़बड़ी हो जाए या ये एड्रेनल ग्लैंड कम या ज़्यादा छोड़ने लग जाए तो शुगर को ठीक करना नामुमकिन हो जाता है। तो एड्रेनल ग्लैंड जो कॉर्टिसोल छोड़ती हैं वो डिस्टर्ब कैसे होते हैं, वो होता है स्ट्रेस से। अब कई लोग सोचते हैं कि स्ट्रेस है वो सिर्फ मेंटली होता है दिमागी तौर पर, ऐसा नहीं है, स्ट्रेस फिजिकली भी होता है। फिजिकली होता है कैसे, जैसे कि आपको एक चपाती की जरूरत थी, आपने खा ली 10, अब आपका सारा दिन ऑफिस वर्क का काम है, बैठे रहने का काम है, आपको क्या है दिन में 4 चपाती सफिशेंट है, इससे ज़्यादा जरूरत नहीं है, पर आप क्या कर रहे हैं 4 सुबह 4 दोपहर 5 शाम को, और उसके बिना चाय लस्सी मक्खन पनीर ऐसी और बहुत सारी चीज़ें वो खा रहे हो, तो ये फिजिकली स्ट्रेस आ जाता है, मेंटली तो आपको पता ही है। तो एड्रेनल ग्लैंड का हमें ध्यान रखना है, फिजिकली और मेंटली स्ट्रेस दोनों से बचना है, कॉर्टिसोल को ठीक करना है। कॉर्टिसोल को ठीक कैसे करेंगे वो भी हम आगे बात करेंगे। उसके बाद आ जाता है कि लिवर, लिवर का शुगर को कंट्रोल करने में बहुत बड़ा रोल है। अगर आपका लिवर ख़राब है, आपने बहुत ज़्यादा स्टीरॉयड खा ले हैं, चाहे चमड़ी की बीमारी के लिए, कई और बीमारी के लिए, नसेड्स हैं दर्द वाली दवाइयाँ खा रहे हो, गठिया के लिए, जोड़ों के लिए, तो ये लिवर को ख़राब करती हैं। लिवर ने शुगर को कंट्रोल करना होता है, 40-70% तक ये हेल्प करता है पैनक्रियाज की शुगर को कंट्रोल करने में। तो लिवर कैसे ख़राब होता है, कौन सी बीमारियों से, हेपेटाइट से, बी हो गया, सी हो गया, और इनकी जो मेडिसिन चलाते हैं वो उससे भी ज़्यादा नुकसान करती हैं। फैटी लिवर जिनका हो गया है, साइज जिनका लिवर का बढ़ गया है, ये ऐसी कुछ बीमारियां जो लिवर को ख़राब करती हैं। लिवर ख़राब हो गया तो वो शुगर को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तो अगर किसी को शुगर, अगर वो लिवर भी ठीक कर लेता है ये बीमारियां, तो शुगर उसकी 50% तक कम हो जाती है आराम से। उसके बाद है इंसुलिन है, इंसुलिन तो सभी को पता ही है, ये पेनक्रियाज एक शरीर का हिस्सा होता है जो पेट में फिक्स होता है। ये पेनक्रियाज है, ये एक रसायन छोड़ता है इंसुलिन, इंसुलिन है वो शुगर को कंट्रोल करता है। तो इसमें क्या होता है, इंसुलिन को हम कैसे गड़बड़ करते हैं, हम गड़बड़ करते हैं एंटीबायोटिक से। अगर हम अननेसेसरी बिना जान पहचान के, बिना डॉक्टर की सलाह से एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो इंसुलिन जो हिस्सा छोड़ता है वो डैमेज हो जाता है। तो ऐसे पेनक्रियाज को बचाना चाहिए, या कोई दवाइयाँ होती हैं, पेन किलर होगी, दर्द निवारक होगी, स्टीरॉयड भी इसकी जो कैपेसिटी है उसको ख़राब करती हैं। तो इंसुलिन भी ख़राब हो गया तो आपकी शुगर कंट्रोल कैसे होगी, आपको पेनक्रियाज ठीक रखना पड़ेगा। उसके बाद और भी बहुत सारी बीमारियाँ हैं जिनके अंदर शुगर कंट्रोल नहीं होती, कोई मर्जी मेडिसिन खा लो, फिर चाहे आप इंग्लिश ले रहे हो, चाहे इंसुलिन लगा रहे हो, चाहे आप टैबलेट खा रहे हो शुगर कंट्रोल करने के लिए इंग्लिश, वो कंट्रोल नहीं होने वाली आपकी। तो जैसे कि इन्फेक्शन है किसी के ब्लड में, कोई भी इन्फेक्शन है, वो CBC की रिपोर्ट करवाता है, TLC बढ़ी रहती है, तो उनको इन्फेक्शन का अपना परमानेंट ट्रीटमेंट करा लेना चाहिए, क्योंकि अगर वो ऐसी छोड़ देगा तो शुगर उसकी बहुत बुरी हालत करने वाली है। लिपिड्स है जिनके बड़े रहते हैं, कोलेस्ट्रॉल जिनका बड़ा रहता है, तो उनको ध्यान रखना चाहिए, अगर लिपिड्स को ठीक नहीं करेंगे हो सकता है 5-10 साल बाद उनको शुगर आ जाए, कोलेस्ट्रॉल का ट्रीटमेंट करा लेना चाहिए। ESR जिनका बड़ा रहता है, ESR भी बहुत इसको कंट्रोल करना जरूरी है शुगर वाले पेशेंट को, ये कंट्रोल नहीं करेंगे तो कोई मेडिसिन काम नहीं करेगी, वो अगर मेडिसिन ने 100% काम करना है 20% ही काम करेगी। अब क्या है, कई लोगों के अकेले पेट के ऊपर चर्बी चढ़ी होती है, ये आपने देखा है, ऐसे पर्सन को शुगर कंट्रोल करना किसी भी सिस्टम में मुश्किल है, चाहे वो इंग्लिश खा रहा है, चाहे देसी खा रहा है, चाहे परदेसी खा रहा है, चाहे यूनानी है, चाहे सिद्धा है, चाहे आयुर्वेदा, उसकी शुगर कंट्रोल नहीं होगी, ये बिल्कुल तय है, जिनकी अकेली पेट के ऊपर चर्बी चढ़ी हुई है। तो पेट के ऊपर चर्बी है वो किसकी वजह से चढ़ती है, वो है लिवर की वजह से, और लिवर है
पेट की चर्बी चढ़ाने का एक कारण है, वो कहाँ से डिस्टर्ब होता है, वो कॉर्टिसोल हार्मोन से। ये सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, सारी एक साथ ठीक होगी। अगर आप सोच रहे हो कि ऐसी मेडिसिन होम्योपैथी में आयुर्वेदा में अकेली मेडिसिन शुगर को कम करने वाली खा के आप शुगर को ठीक कर लोगे, तो ये इम्पॉसिबल है, ये होने वाला है ही नहीं, नामुमकिन है। आपको सारी चीज़ें ठीक करनी पड़ेंगी, कॉर्टिसोल ठीक करना पड़ेगा, डाइट का ध्यान रखना पड़ेगा, लिवर को ठीक करना पड़ेगा, इंसुलिन का ठीक करना पड़ेगा, इनका इलाज लेना पड़ेगा। अब इनका इलाज कैसे लेना है, जैसे लिपिड किसी के कोलेस्ट्रॉल बढ़े हुए हैं तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के 10 से 15 कारण हैं, 10 से 15 बीमारियां हैं, तो 10 से 15 बीमारियों के टेस्ट करवाने हैं, उनका इलाज करना है। सीधा ही इसकी कोई होम्योपैथी या आयुर्वेदा या इंग्लिश मेडिसिन लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, साइड इफेक्ट होंगे। ESR किसी का बढ़ा हुआ है, इसकी भी 30 से 50 बीमारियां हैं, इस बीमारियों को पकड़ना है, इनका इलाज लेना है। सीधा भी मेडिसिन लोगे उनके भी साइड इफ़ेक्ट्स हो जाएंगे, क्योंकि बीमारी का तो आपको पता नहीं, ESR एक बार कम होगा फिर से बढ़ जाएगा। ऐसे ही एब्डोमिनल फैट के लिए कॉर्टिसोल और लिवर को ठीक करना ज़रूरी है, तो इसके लिए भी बहुत सारे कारण हैं, कॉर्टिसोल को डिस्टर्ब करने की भी बहुत सारी बीमारियां हैं। तो ऐसे पूरी जांच करवा कर इलाज लोगे तभी आपका परमानेंट इलाज होगा। ऐसे मेडिसिन खाने से, चाहे आप कोई मर्जी आयुर्वेदा होम्योपैथी खाएं, एक दिन सीधा आपको टैबलेट लेनी पड़ेगी या इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा, और साथ ही साथ आपके लिवर और जो गुर्दे हैं वो भी डैमेज हो जाएंगे एक दिन। परमानेंट इलाज करना है तो सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। इसीलिए हमेशा जो देसी मेडिसिन खाते रहते हैं, मेडिसिन तो अपनी जगह सही है, शुगर कंट्रोल कर रही है, अगर मेडिसिन से सही रिजल्ट लेना है किसी से भी, तो ये सारी चीज़ें ठीक करना बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं करेंगे, चाहे आप फिर मेडिसिन देसी खाओ परदेसी खाओ, आपको शरीर में सुन्नापन है, नपुंसकता है, निगाह भी आपकी वैसी ख़राब होती जाएगी, कमजोरी भी आपको वैसी आती रहेगी, जख्म भी वैसे ही बनते रहेंगे, किडनी भी आपकी फेल हो जाएंगी, कोमा में भी चले जाते हैं पेशेंट, ये लक्षण आपके आते ही आते हैं। और दूसरा सबसे बड़ी आपको जानकारी ये चाहिए कि जो लोग टैबलेट या मेडिसिन कोई भी इंग्लिश खा रहे हैं, वो सोचते हैं कि अब उनका इलाज नहीं हो सकता, तो उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। ये जो आप गोली खाते हो खाली पेट या रात को शुगर को कंट्रोल करने के लिए, ये तभी काम करेगी अगर आपके शरीर के अंदर इंसुलिन जो रसायन है वो पड़ा है, कुदरती तौर पर आपके शरीर में पड़ा है वो। ये टैबलेट तभी काम करती है, ये टैबलेट काम करेगी नहीं अगर आपके अंदर इंसुलिन है ही नहीं है। ये है इंसुलिन, शरीर बना रहा है, शुगर को कंट्रोल करने वाला मैकेनिज्म शरीर चला रहा है खुद, तभी ये टैबलेट काम करती है। अगर ये टैबलेट कोई ले रहा है तो उसके पूरे चांसेस हैं शुगर को ठीक करने के, क्योंकि उसके अंदर अभी कैपेसिटी है। ये गोली तभी काम करेगी अगर शरीर के अंदर इंसुलिन बचा है, जब ये गोली काम करना बंद कर देगी तब। इसीलिए इंसुलिन का बाहर से इंजेक्शन लगाया जाता है, जितने टाइम तक शरीर में पड़ा है तो उसका मतलब गोली काम तो इसीलिए कर रही है। तो गोली जो ले रहे हैं उनके पूरे चांसेस हैं ठीक होने के। अगर हो सकता हो ऐसी कंडीशन में पहुंच गए ठीक ना भी हो रहे हों, तो हम उनका लिवर है और किडनी है इसको बचाकर गुर्दे फेल और लिवर फेल होने से उनको ज़रूर बचा सकते हैं, उनकी लाइफ सेव कर सकते हैं। तो ये ट्रीटमेंट हम उनके लिए कर सकते हैं, जो सबसे बड़ी बात है। अब क्या है, इसके साथ हमें कुछ न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ेगी शुगर को ठीक करने के लिए, वो है फाइटोन्यूट्रिएंट्स। फाइटोन्यूट्रिएंट्स तरह के रसायन होते हैं जो हरी सब्जियों में मिलते हैं, खास करके विटामिन बी हमें चाहिए, तो विटामिन बी नेचुरली हमें वीट ग्रास से मिल जाएगा। जिंक हमें हर रोज़ लेना चाहिए, मैग्नीशियम है ये हमें हर रोज़ लेना चाहिए, एंटीऑक्सीडेंट्स हमें लेना चाहिए। एंटीऑक्सीडेंट है जैसे गाजर और चकंदर में बहुत बढ़िया होते हैं, फाइटिक एसिड और ह्यूमिक एसिड है, ऐसे ही ग्रीन टी बहुत बढ़िया एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। तो ये सारा कुछ करके हम कंप्लीट क्योर कर सकते हैं, ऐसी देसी परदेसी मेडिसिन के चक्कर में ना पड़ें। एक दिन आपको सीधा इंसुलिन भी लेना पड़ेगा, गुर्दे भी फेल हो जाएंगे, लिवर भी फेल हो जाएंगे। देसी मेडिसिन बहुत बढ़िया काम करती हैं, होम्योपैथी बहुत बढ़िया काम करती हैं, पर अगर आपने लिवर वैसे छोड़ दिया, इसका ट्रीटमेंट नहीं किया, गुर्दों का इलाज नहीं किया, बाहर से शुगर वैसे ही ले रहे हैं, आप अकेले ही मान लो लिवर का आपने कभी जांच ही नहीं कराया, फैटी लिवर है, आप मेडिसिन ले रहे हैं होम्योपैथी की आयुर्वेद की, तो एक दिन फैटी लिवर ही आपका इतना बढ़ जाएगा, शुगर वाले को लिवर का कैंसर हो जाएगा। तो इसलिए हमेशा मैं बोलता हूँ जाँच करवा कर दवाई लेनी चाहिए।
होम्योपैथी और आयुर्वेदा मेडिसिन बहुत बढ़िया काम करती हैं, और जो टैबलेट ले रहा है उसके पूरे चांसेस हैं वो अपनी शुगर को ठीक कर सकता है, पर उसके साथ साथ हमें शरीर के दूसरे हिस्सों को ही कंप्लीट ठीक करना पड़ेगा, तभी हम शुगर वाले पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। तो अगर ऐसी आपको रिसर्च बेस्ड वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर और जो वीडियोस हैं, मेल सेक्स हेल्थ है, फीमेल हेल्थ है, गठिया है, जोड़ों की बीमारियां हैं, पेट की बीमारियां, अल्सरेटिव कोलाइटिस, कैंसर के ऊपर है, घुटनों के दर्द के ऊपर है, बहुत सारी और वीडियोस हैं जो रिसर्च बेस्ड हैं, साइंस बेस्ड हैं, उनको आप देख सकते हैं। तो इस चैनल के नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा है, उसको दबाकर सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें और मेरे साथ जुड़े रहें। अगर ऐसा कोई पेशेंट है किसी के भी पास में है, या उनके घर में किसी को कोई भी ऐसी कोई तकलीफ है या कोई और है, कभी भी मेरे से किसी भी समय संपर्क कर सकते हैं, नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए थैंक।